करें आपको, कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा लाहौर से मिल गई है। कराची पुलिस का लाहौर पुलिस से राबता हुआ है, जिसने दुआ के मिलने की तस्दीक कर दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस हवाले से मजीद तहकीकात की जाएंगी। मजीद जानेंगे, कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद हमारे साथ मौजूद है। रफत सईद बताइएगा। देखिए, तकरीबन 10 दिन से मुहिमा बना हुआ था कि दुआ जहरा अगवा हुई है या इसी को जबरदस्ती ले जाया गया है, तो ये जो है लाहौर पुलिस ने मुतला किया है कराची पुलिस को कि दुआ जहरा जो है वो लाहौर से बरामद हो गई है। और उसके बाद ये दो रोज कबल ये इतला एडिशनल आईजी कराची को मिल चुकी थी, लेकिन वो इस बात की तस्दीक की वजह से इन्होंने कल तक ये बात रोके रखी। और जब मुकम्मल तौर से इस बात की तस्दीक हो गई और ये मालूम हुआ कि वो लड़का जिसके साथ वो गई थी वो लाहौर का ही रहने वाला है, और उसके बाद जब तस्दीक के बाद अब कराची पुलिस चीफ ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि लाहौर से बरामद होने वाली लड़की जो बच्ची है वो दुआ जहरा है और वो बाजियाब हो गई है। गोल्डन टाउन का इलाका है, थाना अलसला से ये 16 अप्रैल को जो है गुम हुई थी, जिसके बारे में उसके वालिदैन का ही कहना था मालूम नहीं हो रहा था कहाँ गई है, किसी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आ रहा था और मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन जब उसका फोन का जो मामला था वो जब इल्म में आया और उसको चेक किया गया तो उसके जरिए एक क्लू मिला कि लाहौर में है, तो वहीं से कार्रवाई का आगाज हुआ। पंजाब पुलिस और कराची पुलिस चार रोज कबल रास्ते में आ चुकी थी, लेकिन कुछ जरूरी कार्रवाइयों की वजह से इस मामले को खुफिया रखा गया। और जब इस बात की तस्दीक हो गई तो कराची पुलिस ने इसकी तस्दीक की। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। सामने पेशरफ्त आई है इस केस की, कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा लाहौर से मिल गई है और कराची पुलिस का लाहौर पुलिस से राबता हुआ है, जिसने दुआ के मिलने की तस्दीक भी कर दी है।